दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओप्पो के हैंडसेट के कुछ सेटिंग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बल्कि ओप्पो नहीं और दूसरे डिवाइस को भी आप ये सेटिंग्स काम में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, भाई मैं पहले इस टॉपिक्स पर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो सैमसंग के लिए था, लेकिन ओप्पो पर मैं सोचा कि भाई ओप्पो जिन जिन दोस्तों ने यूज़ करते हैं उनके लिए भी एक वीडियो पब्लिश किया जाए। तो क्या बात है, असल बात तो अभी तक नहीं बोला हूँ। तो आज हम बात करने वाले भाई ओप्पो के ऑटो अपडेटिंग सिस्टम के बारे में। सुनते ही वीडियो बंद कर देंगे, पता है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के ऑटो अपडेट सिस्टम के बारे में। अगर आपके एप्लीकेशन डाटा ऑन करने पर या फिर वाईफाई कनेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है, आप परेशान हैं, आप थक गए हैं, तो प्लीज़ बुरा मत बनिए। और बुरा क्या बनेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिस्कस करने बताने वाला हूँ और आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल वीडियो को चुटकी भर में शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूँ, वही आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूँ आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्क टेक्नोलॉजी। दोस्तों जैसे कि आपने सुना, ओप्पो के डिवाइस पर हम करना चाहते हैं वही ऑटो अपडेट सेटिंग्स को, यानी ऑटो अपडेट एप्लीकेशन सेटिंग्स को डिसेबल जब भी हम बाहर होते हैं या फिर हमारा नेट स्लो होते हैं। मैंने पहले कह चुका हूँ वो उस समय हमको ऑटो अपडेट ऑफ करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही अपने फ़ोन का प्ले स्टोर पर विजिट कीजिए और उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई अपने डेटा वगैरह जो है उसको ऑन कर लीजिए सबसे पहले। तो डेटा वगैरह जो है उसको ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आपके प्ले स्टोर जो है प्ले स्टोर पर विजिट करेंगे। तो प्ले स्टोर पर विजिट करने के बाद आपके सामने वही जब प्ले स्टोर खुल जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हम प्ले स्टोर पर विजिट किए हैं, यहाँ पर प्ले स्टोर भी खुल चुके हैं और यहाँ पर आपको वाई की ओर मिल जाएंगे। वही जो है यहाँ पर देखिए वाई की ओर यहाँ पर मिल रहा है वही एक बटन, ठीक है। ये जो बटन है वही फेसबुक का SMS। तो चलिए ये जो बटन है इस बटन पर आपको सीधे तरीके से क्लिक करना है ना। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वही नीचे की तरफ आइए और सेटिंग्स पर मैनुअली क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद वही आपके सामने दूसरा वाला जो ऑप्शन आएंगे ऑटो अपडेट्स ऐप्स, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स इसको सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटो अपडेट सिस्टम जो है वो बंद हो जाएंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और नीचे की तरफ लिखा है भाई ऑटो अपडेट ऐप्स एट एनी टाइम डाटा चार्जेस में अप्लाई। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं दूसरा ऑप्शन फॉलो तो आपका जो ऑटो अपडेट वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और तीसरा करेंगे ऑटो अपडेट ऐप्स ओवर वाईफाई ओनली। अगर आप चाहते हैं तीसरा ऑप्शन ऑन करना या फिर ऑन है तो आपके फोन जब भी वाईफाई से कनेक्टेड होगा तो आपका जो ऑटो अपडेट अवेलेबल होंगे जितने भी एप्लीकेशन वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। इससे आपका फोन का जो शॉर्टेज है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप चाहते हैं जिन एप्लीकेशन आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो एप्लीकेशन आप अपडेट करके रखिए, अपडेट करने से कोई बुराई नहीं है। तो अगर आपको परेशानी हो रही है तो डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स यहाँ पर क्लिक करके इसको बंद कर दीजिए तो हो जाएंगे बंद, कोई बात नहीं है ना। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहने के लिए। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि हम इससे भी मसलेदार और मज़ेदार वीडियो आपके लिए बना सकें। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहने के लिए। और दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिए और हमारे इस फैमिली पर शामिल हो जाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आए हैं। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आपके प्यार आपके सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है अपने फैमिली आपके फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि हम इससे भी मसलेदार और मज़ेदार वीडियो बना सकें। और आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम जितना भी हो सके आपके हेल्प करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें प्यार कीजिए, आप सपोर्ट करते हैं, आप प्यार करते हैं, इसलिए हम थोड़ी सी बन पाए स्टार्क फैमिली। आपके प्यार आपके सपोर्ट से ही जितना भी है वो ग्रो अप कर रही है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप चाहें तो मैन्युअली हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जिसका यूज़र नेम है www.facebook.com/india.stark। और अगर चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूज़र नेम है instagram.com@india.stark।
टैग। और दोस्तों अगर आप चाहें YouTube के बारे में और भी बहुत सारा जानकारी, YouTube कैसे काम करते हैं, YouTube के हर टिप्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमारा और एक YouTube चैनल है जिसका नाम है Stark Prison। तो दोस्तों इन सभी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे की तरफ दे देंगे। अगर आप चाहें वहाँ पर फॉलो आस लिखा है, वहाँ पर से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली जो है वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे तरीके से रहे, सब सलामत रहे, सब हमारे साथ मिलकर चले, यही दुआ करता हूँ। और अब खुश रहे, आपके फैमिली अच्छे तरीके से रहे, यही दुआ करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखिए, माता पिता सबका ख्याल रखिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्यार करते रहिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम।